जनपद श्रावस्ती के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा की धारा से जोड़ने के लिए एक्शन एंड आदित्य बिरला कैपिटल, नई पहल प्रेरक विद्यालय प्रबंधन समिति और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से ब्लॉक स्तरीय कन्वर्जेंस बैठक का आयोजन विकासखंड जमुना में आयोजित किया गया, जिसमें वंचित वर्ग के बच्चों को कोविड काल में शिक्षा के लिए प्रेरित करने पर चर्चा की गई। एक्शन एंड आदित्य बिरला कैपिटल द्वारा संचालित नई पहल परियोजना के अंतर्गत शिक्षा जागरूकता अभियान को लेकर प्रचार प्रसार पर बल दिया गया, जिससे अधिक से अधिक वंचित वर्ग के छात्र शिक्षा की ओर प्रेरित हो सके। चलाए जा रहे अभियान के उद्देश्य के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए संस्था के जिला समन्वयक तारिक अहमद ने बताया कि कोई भी बच्चा शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित ना हो, इसके लिए उनकी संस्था गांवों में अभिभावकों को इसके लिए प्रेरित करती है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े समूह के परिवारों को प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों में उपस्थिति को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता स्तर से कार्य कर रहे हैं। अभिभावकों के ईंट भट्टों में चले जाने पर उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षा की धारा से जोड़ना उनका उद्देश्य है। कहा कि विद्यालयों में छात्रों का पंजीयन ही सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि उनकी उपस्थिति भी होनी चाहिए। गुलस्ती आरा जिला समन्वयक एक्शन एड ने बताया कि बेटियों की शिक्षा को लेकर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके जिले के 5 विकास खंडों के गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी जे एन दुबे ने की। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ब्लॉक मिशन प्रबंधक आबिद रजा, समूह सखी ममता वर्मा, रीना चक्रवर्ती, अनूप रेखा मौजूद रहे। आदित्य बिरला कैपिटल के सहयोग से एक्शन एड द्वारा संचालित नई पहल परियोजना के अंतर्गत जिला श्रावस्ती के विकास खंड जमनहा में ब्लॉक स्तरीय कन्वर्जेंस मीटिंग आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी महोदय ने की। आज यहां पर हम लोग एकत्रित हुए, जिसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो 45 दिन से लगातार स्कूल नहीं गए हैं, जो विकलांग हैं, जो चलने फिरने से लाचार हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जाए।